हमने प्रीवियस सेशन में एबीसी एनालिसिस अच्छे से डिटेल में समझ लिया था। हमने देखा था, हमने हमारे रॉ मटेरियल को, हमारे इन्वेंट्री को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, कैटेगरी ए, बी एंड सी। कैटेगरी ए में ऐसे ऐसे इन्वेंट्रीज थी, ऐसे मटेरियल्स थे जिन्हें हमारे टोटल नंबर ऑफ इन्वेंट्री के जो सिर्फ 10% थे, लेकिन कॉस्ट वाइज दे वर अराउंड 70 to 80%। नंबर ऑफ यूनिट वाइज वो बहुत कम थे, ओनली 10%, बट इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट द इन्वेस्टमेंट वॉज अराउंड 70 to 80%। सिमिलरली इन कैटेगरी बी वी क्लासीफाइड द आइटम्स हुज नंबर ऑफ इन्वेंट्री वॉज हुज नंबर ऑफ आइटम वॉज ओनली अराउंड 20%, 20 to 25%, एंड सिमिलरली द कॉस्ट, द अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड वॉज ऑल्सो अप्रॉक्सीमेटली 20%। ओके, एंड लास्टली द सी कैटेगरी। सी कैटेगरी में ऐसे यूनिट्स थे, ऐसी इन्वेंट्रीज थी जो हमारे नंबर ऑफ इन्वेंट्रीज का मैक्सिमम था। एग्जाम्पल 70 to 80% हमने लिया था, ऐसे इन्वेंट्रीज जो हमारे रॉ मटेरियल का या हमारे स्टोर्स में 70% स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे थे, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट कितना था, सिर्फ 10%। इन्वेस्टमेंट कितना था, सिर्फ 10%। जैसे कि ए कैटेगरी में क्या आ सकता, केसर। हमारे किचन में केसर, केसर कितना होता है, एकदम कम होता है, लेकिन उसकी कॉस्ट एकदम ज़्यादा होती है। कैटेगरी ए में केसर आ गया। कैटेगरी सी में क्या आ गया, सॉल्ट। सॉल्ट होता वैसे बल्क ही है, लेकिन उसकी कॉस्ट कितनी होती है, 4 रुपये 5 रुपये किलो। ठीक है, इस पर हमने एबीसी एनालिसिस पे डिटेल में देख लिया था प्रीवियस वीडियो में। अब आज उसके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 8 देखते हैं। सिंपल है, एकदम कुछ भी नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है, कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे, हो जाएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ड्रॉ अ प्लान ऑफ एबीसी सिलेक्टिव कंट्रोल। ये आइटम्स की लिस्ट देती है, उसके हमें नंबर ऑफ यूनिट्स कितने लग रहे हैं और पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, उसकी ये डेटा देती है। जैसे कि आइटम नंबर 3 1500 यूनिट्स का हमारा कंजम्पशन है और 10 रुपीज़ का उसका कॉस्ट है। आइटम नंबर 8 3000 यूनिट्स का हमें रिक्वायरमेंट है, या फिर यूँ कहो कि 3000 यूनिट्स हमारे पास स्टॉक में है और 3.5 उसका कॉस्ट है, 3.5 उसका कॉस्ट है। तो सिंपल है, हमें क्या करना है, ये हमारी जो इन्वेंट्री की लिस्ट दी है इसे हमें ए बी सी 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना है, ए में, बी में और सी में। कौन से आइटम्स ए में प्लेस करेंगे, कौन से बी में प्लेस करेंगे और कौन से सी में प्लेस करेंगे, यही हमें करना है। तो सिंपल है, ए में कौन से करेंगे, जो नंबर ऑफ यूनिट वाइज कम हो, से 10 to 20%। कितना, 10 to 20%, लेकिन कॉस्ट वाइज कैसे हो, 70%। बी में कौन सा करेंगे, जो नंबर ऑफ यूनिट वाइज 20 हो और कॉस्ट में भी 20 हो, और सी में जो कॉस्ट में 10% हो लेकिन नंबर ऑफ यूनिट वाइज जो बल्की हो, 70% हो, नंबर ऑफ यूनिट वाइज जो ज़्यादा हो, एग्जांपल 70% हो। तो इस तरह से हमें क्लासिफिकेशन करना है। हमें क्लासिफिकेशन कैसे करना है, जिसके यूनिट्स 10% के अप्रॉक्सीमेटली 10% है लेकिन कॉस्ट ज़्यादा है, वो हो जाएगी कैटेगरी ए में। ऐसे यूनिट्स जो 20% नंबर ऑफ यूनिट्स भी है और 20% अप्रॉक्सीमेटली बोल रहे हैं हम, अप्रॉक्स 20% कॉस्ट भी और अप्रॉक्सीमेटली 20% इन्वेंट्री में उनका नंबर ऑफ यूनिट्स है, तो ऐसे यूनिट्स को हम कैटेगरी बी में प्लेस करेंगे। और कैटेगरी सी में हम ऐसे आइटम्स को प्लेस करेंगे जो नंबर ऑफ यूनिट वाइज काफ़ी बल्कि या काफ़ी ज़्यादा बड़ा नंबर है उनका, लेकिन कॉस्ट वाइज वो एकदम चिल्लर पिल्लर है, 10% है अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो करते हैं। तो इसके ऐसा क्लासिफिकेशन करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले परसेंटेज निकालने होंगे। हमें सबसे पहले क्या करना होगा, परसेंटेज कैलकुलेशन करना होगा। तो परसेंटेज कैलकुलेशन कैसे करेंगे, सिंपल है, ऐसा एक फॉर्मेट बना लेंगे। फॉर्मेट बना के हम उसका आइटम्स का लिस्ट ले लेते हैं। आइटम्स टेबल बनाना है, साथ साथ में आपको आइटम्स, यूनिट्स, परसेंटेज ऑफ टोटल यूनिट्स, यूनिट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट एंड रैंकिंग, लास्ट में रैंकिंग। ठीक है, आइटम्स, यूनिट्स, परसेंटेज ऑफ टोटल यूनिट्स, यूनिट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट,
परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट, और लास्ट में आएगा रैंकिंग। ठीक है, यूनिट्स आइटम्स 1 2 3 4 5 ऐसा लिख लिया हमने 11 तक, कितने है 12 है, 11 12। ठीक है, यूनिट्स उनके जितना रिक्वायरमेंट है हमें वो लिख लिया, क्वेश्चन से लिखना है 7000 24000, 7000 24000, 1500 ऐसा लिख लिया। लास्ट में हमें क्या करना है, नंबर ऑफ़ यूनिट्स की टोटल करना है, कितनी आ रही है टोटल 2,19,000, कितनी टोटल आ रही है 2,19,000। अब परसेंटेज ऑफ टोटल यूनिट्स कैसे निकालेंगे, कैलकुलेटर पे लेंगे 7000, 7000 डिवाइड बाय 2,19,000, कितना आ रहा है वो, कितना परसेंट आ रहा है, 3.1963, 3.1963%। तो ये कैसा आया, ये वाला ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो थर्ड कैसा आया, सेकंड डिवाइड बाय 2,19,000, सेकंड डिवाइड बाय 2,19,000। ठीक है, सेकंड का कैसा आ रहा है, 24,000 डिवाइड बाय 2,19,000, 24,000 डिवाइड बाय 2,19,000 कितना परसेंटेज आ रहा है, 10.9589। ऐसे सारे परसेंटेज आपको कैलकुलेट करने हैं, कैलकुलेटर पे ही जल्दी हो जाएगा। और इसमें क्रॉस चेक क्या रहेगा कि जब हम ये सारे परसेंटेजेस को ऐड करेंगे तो एडिशन समेशन मस्ट बी 100, समेशन मस्ट बी 100। देन नेक्स्ट कॉलम यूनिट कॉस्ट, क्वेश्चन से ही देख के कॉपी पेस्ट करना है 5 3 10। ठीक है, क्वेश्चन से ही ये डेटा ले लिया। बाद में आता है टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कैसे आएगा, टोटल कॉस्ट कैसे आएगा, 7000 × 5 मतलब 2 × 4th कॉलम, तो ये कितना आ रहा है, 35000, 72000। ठीक है, 2 × 4 फिफ्थ कॉलम, सिक्स कॉलम, सिंपल है एकदम। अब इसके बाद में परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट, ये सारे कॉस्ट हमने निकालने के बाद में हमें कॉस्ट का टोटल लेना है, वो आ रहा है 3,55,770, 3,55,770। ठीक है, अब लेते हैं परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट, सिमिलरली यहाँ कैसे आएगा, 35,000, 35,000 डिवाइड बाय 3,55,770 कितना आ रहा है, इट्स कमिंग अप्रॉक्सीमेटली 9.8378, नेक्स्ट 20.24, है ना, ऐसा हमारा अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है। अब हमें देना है रैंकिंग, रैंकिंग कैसे देंगे, हम एक अजम्पशन ले लेंगे, हम एक क्या ले लेंगे, हम एक अजम्पशन ले लेंगे, बेसिस फॉर सिलेक्टिव कंट्रोल अज्यूम। हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं 50,000 और 50,000 के ऊपर के जो भी आइटम है वो ए कैटेगरी में जाएंगे। ठीक है, 15,000 से 50,000 तक के आइटम्स बी कैटेगरी में जाएंगे और बिलो 15,000 के आइटम्स कैटेगरी सी में जाएंगे। ये क्या किया हमने, ये अजम्पशन है, ये कहीं दिया हुआ नहीं है, ये हमने ऐसा अज्यूम किया है। ठीक है, अब ट्राई करो इसे रैंकिंग देने का, आपके हिसाब से रैंकिंग कैसी आ सकती है, ट्राई करो एक बार। सिंपल सिंपल रैंकिंग देना है, जिसका टोटल कॉस्ट सबसे ज़्यादा आ रहा है उसे रैंक वन दे दो। टोटल कॉस्ट सबसे ज़्यादा का आ रहा है 11th आइटम का, तो उसे रैंक वन दे दिया। उसके बाद किसका आ रहा है 72,000, रैंक टू दे दिया। उससे कम किसका आ रहा है 57,000, रैंक थ्री दे दिया। तो रैंकिंग कैसे दे दिया हमने, ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट दे दिया हमने, कैसे दे दिया, ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट हमने रैंकिंग्स दे दी, ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट हमने रैंकिंग दे दी। अब हमें क्या करना है, कैटेगराइज करना है। कैटेगराइज कैसे करेंगे, ऐसे जो जो आइटम 50,000 या 50,000 से प्लस ऊपर थे उन्हें क्या ले लेना है, हमें कैटेगरी ए में लेना है। तो रैंकिंग ऑब्वियसली बात है, जो रैंक वन है, रैंक वन वही है जिसकी कॉस्ट सबसे ज़्यादा है, तो वो सबसे पहले आ जाएगा। रैंक वन सबसे ज़्यादा कॉस्ट किसकी है, 11th आइटम की, तो 11th नंबर का आइटम आ गया। ठीक है, तो वो टोटल परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स कितने उसके, 5.2512, ये देखो यहाँ से ले लिया हमने। ठीक है, और लेकिन कॉस्ट वाइज कितना है, 81,650, ये भी हमने यहाँ से ले लिया। ठीक है, और फिर उसका परसेंटेज ऑफ कॉस्ट भी लिख लिया ऐसा। फिर रैंक वन के बाद में रैंक टू ले लिया, रैंक थ्री ले लिया। ठीक है, रैंक फोर देखते हैं, रैंक फोर किसका, रैंक फोर्थ है फर्स्ट यूनिट का, उसकी टोटल कॉस्ट कितनी जा रही है, इट्स 35,000। तो 35,000 मीन्स 50,000 से कम है। हमने बेसिस ऑफ डिवीजन क्या लिया था,
50,000 एंड अबव, सिर्फ 50,000 एंड अबव ही हम रैंक वन में प्लेस करने वाले थे। अब फोर्थ आइटम का कॉस्ट कितना है? 35,000, सो इट्स लेसर देन 50,000। तो हमारा कैटेगरी ए फर्स्ट थ्री रैंक्स पे आके रुक जाएगा, फर्स्ट थ्री रैंक्स में ही हमारा कैटेगरी ए आके रुक जाएगा। फिर कैटेगरी बी फोर्थ रैंक देख लेंगे, फोर्थ रैंक का कितना है? 35,000 कैटेगरी बी में आ गया। फिफ्थ रैंक देख लेंगे किसका आ रहा है, फिफ्थ रैंक, फिफ्थ रैंक आ रहा है ट्वेल्थ यूनिट का, 25,000 अगेन बी में आ गया। सिक्स्थ रैंक 20,000 अगेन बी में आ गया। सेवन्थ रैंक 15,000 अगेन बी में आ गया। एट्थ रैंक 13,300, ये कहाँ जाएगा, बी में आएगा क्या? नहीं, ये सी में जाएगा। क्यों? हमारा बी का कैटेगरी क्या था? 15,000 to 50,000, ठीक है, 15 to 50। तो 13,000 कहाँ आता है? 15 से कम होता है, तो वो कहाँ जाएगा? सी में जाएगा। तो हमारा कैटेगरी बी 4, 5, 6, 7, ये चार रैंक्स को मिलके हमारा कैटेगरी बी बन गया। तो हमारा कैटेगरी बी और बचे हुए सारे कैटेगरी सी में, ठीक है, बचा हुआ सारा आइटम्स कैटेगरी टी सी में चला जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ एबीसी एनालिसिस। ये जो हमने एबीसी एनालिसिस किया है, ये करना क्यों है, इसके एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहला तो कंटिन्यूटी इन प्रोडक्शन, इट एंश्योर्स दैट द विदाउट देयर बीइंग एनी डेंजर ऑफ इंटरप्शन ऑफ प्रोडक्शन फॉर वॉन्ट ऑफ मटेरियल और स्टोर्स, मिनिमम इन्वेस्टमेंट विल बी मेड इन इन्वेंट्रीज ऑफ स्टॉक ऑफ मटेरियल और स्टॉक्स टू बी कैरिड। देखो, आपको नहीं लगता है क्या कि हमने ये एबीसी एनालिसिस कर लिया तो हमारा जो रॉ मटेरियल का सप्लाई है वो कंटिन्यूस रहेगा? कैटेगरी ए में हमने कौन से मटेरियल डाले जो एक्सपेंसिव है और जिसका वॉल्यूम कम है, तो हम ज़्यादा ध्यान किस पे देंगे? ऐसे मटेरियल पे देंगे ना। तो हम जब ऐसा इन्वेंट्री में ऐसा बार बार कंट्रोल करते हैं तो हमें पता होता है कि स्टॉक है या नहीं है, स्टॉक आउट का सिचुएशन आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, हमारा स्टॉक आउट का सिचुएशन काफ़ी कम होता है, स्टॉक आउट होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं, तो इसीलिए कंटिन्यूटी इन प्रोडक्शन। नेक्स्ट है लोअर कॉस्ट। आपको नहीं लग रहा है कि हमारा कॉस्ट सेव हो रहा है? सर, अगर हम सभी इन्वेंट्री पे एक समान ध्यान देते थे तो हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट में काफ़ी ज़्यादा समय लगता था, काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा है मतलब काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता था। लेकिन हमने क्या किया, स्मार्टली हमारे इन्वेंट्रीज को तीन कैटेगरीज में जब डिवाइड कर दिए तो हमारा मेन फोकस कहाँ होना चाहिए, कैटेगरी सी या ए या बी? बोलो जल्दी, बोलो मिहिर, कैटेगरी ए बी सी कहाँ हमारा ज़्यादा ध्यान होना चाहिए? ऑब्वियसली कैटेगरी ए में। क्यों? क्योंकि सर वो नंबर ऑफ यूनिट्स वाइज कम है लेकिन कॉस्ट कैसी है, ज़्यादा, उसकी कॉस्ट कैसी है, ज़्यादा है। तो हम मैनेजमेंट ज़्यादा कंट्रोल कहाँ लगाएगी? ऑब्वियसली बात है, जहाँ कॉस्ट ज़्यादा है और यूनिट कम है, इसलिए कैटेगरी ए पे ज़्यादा ध्यान जाएगा। तो हमारा कॉस्ट कैसा होगा, लोअर होगा, कॉस्ट कैसा होगा, कम होगा, लेस अटेंशन इज रिक्वायर्ड। ऑब्वियसली बात है ना सर, अगर हम सारे मटेरियल को एक समान कंट्रोल करते थे तो हमारा अटेंशन ज़्यादा होता था, हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी इन्वेंट्री कंट्रोल में। बट नाउ सर, वी आर कंट्रोलिंग, वी आर फोकसिंग ओनली ऑन, मोस्टली आर फोकस इज ऑन ए कैटेगरी ऑफ मटेरियल, तो हमारा अटेंशन कम लग रहेगा, मतलब कम ध्यान देना होगा। हम मैनेजमेंट बाकी के काम भी कर सकती है, कैटेगरी सी पे थोड़े कम कंट्रोल भी हो सकते हैं। अच्छा, ये जो एबीसी एनालिसिस है, प्रीवियस वीडियो में हमने काफ़ी डिटेल में देखा है, अभी सिर्फ उसके एडवांटेजेस देख रहे हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं हम। सिस्टमैटिक वर्किंग विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द एबीसी सिस्टम, मच ऑफ द वर्क कनेक्टेड विद द परचेसेस कैन बी सिस्टमेटाइज्ड ऑन अ रूटीन बेसिस टू बी हैंडल्ड बाय सबऑर्डिनेटेड स्टाफ। जैसे कि मटेरियल सी है, मटेरियल सी के लिए एकदम टॉप लेवल मैनेजमेंट बैठ के थोड़ी प्रोक्योर करेगी, है कितना, 5 रुपये किलो का नमक है, तो क्या टॉप मैनेजमेंट बैठेगी क्या? नहीं, वो सबऑर्डिनेट्स मतलब जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है या परचेस डिपार्टमेंट में भी जो न्यू इंटर्न न्यू एम्प्लॉई है वो लोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कैटेगरी ए के मटेरियल कैसे, केसर पिस्ता बादाम, ये कैसा है, महंगा मटेरियल है, तो ये टॉप लेवल मतलब हमारा जो परचेस डिपार्टमेंट है प्रॉपर कोटेशंस बुलाएगा, टेंडर्स बुलाएगा, कंपेयर करेगा, देन फिर पीओ जनरेट करेगा, ठीक है। तो सिस्टमैटिक वर्किंग में मिलता है। तो ये था हमारा एबीसी एनालिसिस, इस पर हमने डिटेल में इसका कंसेप्ट समझा, एडवांटेजेस देखे, साथ ही साथ हमने इस पर एक न्यूमेरिकल भी बना के देख लिया, ठीक है।